हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़। वेलकम बैक इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज, जो हमने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। सो दिस इज द लेसन नंबर 1.2, ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स आज लर्न करेंगे। सो आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। Do like, share, subscribe our channel, and thanks a lot for your love and support to our English Master channel. Keep supporting. Let's start. So, बच्चों देखिए, question number A1. So यहाँ पर first question जो आपको पूछा है, summarize to the class in your own words the highly risky and dangerous journey of Tenzing and Hilary from the base to the top of the Mount Everest. तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या करने के लिए बोला है, समराइज टू द क्लास इन योर ओन वर्ड्स, खुद के कुछ शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। द हाईली रिस्की एंड डेंजरस जर्नी ऑफ टेंजिंग एंड हिलारी। टेंजिंग एंड हिलारी की जो जर्नी थी टू द माउंट एवरेस्ट, सो जो भी रिस्क या फिर कुछ डेंजरस जो थिंग्स हैपन हुए थे इन बिटवीन द जर्नी, वो आपको लिखना है। सो यहाँ पे देखिए, आई हैव गिवन द आंसर, दैट इज टेंजिंग नोगे एंड एडमंड हिलारी were the first two mountaineers who reached at the top of the Mount Everest. In this article, the writer Tenzing Norgay described the historic climb. देखिए कि ये आपका first वाला line हो गया, this is your second sentence. Third वाला हम देखेंगे, that is when they left Camp 9, the writer determined to get to the top on that day. And now the fourth sentence, when they were at Camp 8, Colonel Hunt gave three flags, those of Britain, the United Nations and Nepal to the writer. Now let's check the next sentence. The writer informed Colonel Hunt that he had the Indian flag with him. The writer had a dream to plant all those flags on the top of the world. देखिए बच्चों कि ये जो आंसर्स हैं जो आपको लर्न करने हैं और जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें का 50% तो आपको सिलेबस में आ ही जाता है, क्वेश्चन पेपर में होता ही होता है, ठीक है। सो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है पूरा लेसन। सो दीज आर द ओनली आंसर जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट वाला लाइन देखेंगे, दैट इज दे हैड बल्की इक्विपमेंट विद देम, उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे। They were also carrying oxygen mask. They couldn't quench their thirst also as the writer water in the tumbler had frozen. After 1 hour of steady going, they have to pass up a steep line of rocks. Both the mountaineers were tied together with a rope. The rope was a symbol of togetherness. The last 60 or 70 feet up the top were not very dangerous. They reached the small summit almost together. The summit was very small and only two or three people could stand there. In this way, they accomplished the tough and challenging climb on 29th of May 1953. So, ये आपका आंसर हो गया, ये आपको 2 marks के लिए आ सकता है। So, ये हमने उनके जो भी highly risk and dangerous journey था Tenzing and Edmund Hillary का to the top of माउंट एवरेस्ट, तो इसका ये आंसर यहाँ पर मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट वाला अभी हम A2 क्वेश्चन देखेंगे। A2 में देखिए, आपको यहाँ पर बताया है, नंबर 1, कंप्लीट द वेव हाइलाइटिंग द फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ टेंजिंग आफ्टर रीचिंग द समिट। यानी कि जब वे टेंजिंग एंड हिलारी ये जब माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे, तो एट दैट टाइम टेंजिंग के जो फीलिंग्स है, टेंजिंग्स फीलिंग्स इमोशंस आफ्टर रीचिंग द समिट, यानी कि जब वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच गए, तब उनके जो इमोशंस थे, जो भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी, तो वो आपको लिखनी है। अगर ऐसा आपको चार्ट आता है फिलअप करने के लिए, ये ऑल्सो आपको 2 marks के लिए आ सकता है। सो लेट्स चेक, द नंबर 1 हिज फीलिंग वाज ग्रेटिट्यूड टू गॉड, भगवान के प्रति जो कृतज्ञता थी। देन लव फॉर हिज फैमिली, फैमिली के लिए जो उनका प्यार है। नंबर 3 फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म, एंड नंबर 4 फीलिंग ऑफ फिटनेस एंड फ्रेशनेस। सो दीज आर द 4 लाइंस, ये 4 लाइंस आपको इस तरह से ब्रैकेट
टेबल आपको ये फिलअप करवाना है, सो ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। अभी देखेंगे A2 में का नंबर 2, ग्लांस थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ तेनजिंग नॉर्गे, पिक लाइंस दैट शो हिज यूनिक क्वालिटीज, वन इज डन फॉर यू। एक तो आपको पहले से ही दिया हुआ है पैट्रियोटिक का कि जो भी उसकी क्वालिटीज है, ठीक है, जो गुण है, और उससे वो क्वालिटीज से रिलेटेड कौन से सेंटेंसेस या फिर लाइंस आपके इस एक्सट्रैक्ट में या फिर टेक्स्ट बुक में आए वो आपको लिखना है। सो पैट्रियोटिक यानी कि देखिए देश प्रेमी आप इसको बोलेंगे। I told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me and I would like it to be on the top of with other flags. यानी कि अपने देश का जो भारत का जो झंडा है वो भी उनको लेके जाना था, तो ये देश के प्रति उनकी जो भावना है, ये उनकी पहली क्वालिटी दिखाई है। दूसरा है determination. I was to get to the top even if I die. अगर मैं मर भी जाऊँ लेकिन मुझे ऊपर पहुंचना है, ये उनका determination था, दृढ़ निश्चय था। Number 3, discipline. I had to ask Colonel Hunt's permission in his capacity as leader of the expedition. यानी कि वो disciplinary थे। Number 4, perseverance. यानी कि this was slow and difficult. And number 5, courage. I was not afraid to die that day. मैं उस दिन मरने के लिए नहीं डरूंगा। So these are the 5 qualities और उससे related ये जो कुछ lines आए हैं टेक्स्ट बुक में वो आपको लिखने हैं। इस तरह से आपको ये टेबल यहाँ पर फिलअप करवाना है। ओके सो चलिए अभी A2 का 3 देखेंगे हम। That is, write down the significance of the following in the context of onto the summit. देखिए कि यहाँ पर जो words दिए हैं specific, उससे related जो बातें हैं, तो वो आपको लिखनी है। For example, red scarf दिया है। The red scarf had been given to Tenzing a year earlier, एक साल पहले उन्हें दिया गया था। On May 28, by his great friend Lambert, when they were standing at 28,215 feet. Lambert had been the leader of the 1952 Swiss expedition. यानी स्विस का जो एक उनका एक्सपीडिशन था, तो एट दैट टाइम उनका जो लीडर था उनका नाम था लैम्बर्ट, और उसने उन्हें वो रेड स्कार्फ दिया था। टेनजिंग हैड वॉर्न द स्कार्फ, यहाँ पर स्कार्फ है, स्कार्ड हो गया, ड्यूरिंग द क्लाइम विथ हिलारी एंड ही स्टूड एट द समिट, ही रिमेम्बर्ड हिज फ्रेंड एंड फेल्ट दैट ही वॉज विथ हिम। यानी कि वो स्कार्फ उनके दोस्त ने दिया हुआ उनको एक तोहफा था, तो उन्होंने वो कैरी किया था। देखते हैं नंबर 2, दैट इज होशियार। होशियार यानी कि दिस मीन दैट दे हैड टू बी कॉशियस, यानी कि बहुत ही सावधान से, व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन एज देयर वाज अ फियर ऑफ स्लिपिंग, यानी कि जब वो माउंट एवरेस्ट से नीचे उतर रहे थे तो पैर स्लिपर यानी कि फिसलने की बहुत सी चांसेस थे, इसके वजह से ही नीड टू बी होशियार यानी कि कॉशियस, इफ यू स्लिप डाउन यू वुड गो इनटू कैंगशू ग्लेशियर। सो ये हमने ऑलरेडी टेक्स्ट में पढ़ा है। नंबर 3 दिया है यहाँ पर केरोसिन फ्लेवर टी, यानी कि जो उन्होंने चाय पी थी माउंट एवरेस्ट पे जिसमें केरोसिन का स्मेल आ रहा था, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर सेंटेंसेस ढूंढ के निकालने हैं। सो दीज आर द लाइंस, दोज हु वर वेटिंग एट कैंप 8 हैड मेड टी टू वेलकम हिलारी एंड टेनजिंग आफ्टर देयर सक्सेसफुल क्लाइम, यानी कि उन्होंने सक्सेसफुली रीच तो किया, माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए, लेकिन उतरते समय नीचे आते समय कैंप 8 में उनके लिए चाय बनाई थी। इन द एक्साइटमेंट एंड हरी ऑफ द वेलकम सम केरोसिन had got into the cup without anyone realizing it. However, as Tenzing drank the tea which smelt of kerosene, he understood the trouble that he had been taken to bring the tea to them and the affection behind it and decided to enjoy it. He humorously calls it kerosene flavored tea. यानी के उत्साह में उन लोगों से उस चाय में थोड़ा सा केरोसिन गिर गया था, लेकिन फिर भी उनका जो अफेक्शन था यानी कि उन्होंने प्यार के खातिर उनके लिए जो बताया था वो चाय, इसके लिए उन्होंने वो पी थी। सो दिस इज द थिंग यहाँ पर डिस्क्राइब किया है केरोसिन फ्लेवर टी के लिए। ओके अभी देखिए क्वेश्चन नंबर A3 का जो फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, दैट इज एड सुटेबल सफिक्सेस। यहाँ पर देखिए सफिक्स यानी क्या होता है एंड प्रीफिक्स यानी क्या होता है। प्री का तो मतलब आपको पता है, प्री यानी पहले, ठीक है, प्रीफिक्स यानी कि जो पहले लगता है, सफिक्स यानी जो वर्ड के बाद में लगता है। तो यहाँ पर सफिक्सेस कौन से दिए हैं, टी आई ओ एन एल वाई एम ई एन टी ओ यू एस एंड प्रीफिक्सेस यू एन एंड आई एल। ओके सो टू द वर्ड्स गिवन बिलो वन इज डन फॉर यू, यहाँ पर जो वर्ड्स दिया है पहला एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का तो प्रीफिक्स कोई भी नहीं ऐड होगा उसके लिए, उसके सिर्फ उसका सिर्फ सफिक्स ही हो जाएगा, दैट इज एब्सोल्यूटली, यानी कि यहाँ पर क्या लग गया इसके आगे एल वाई।
ये क्या हो गया आपका सफिक्स हो गया जो वर्ड के बाद में आता है, और प्रेफिक्स यानी पहले आता है, तो उसका यहाँ पर एग्जांपल है फुलफिल यानी कि अनफुलफिल्ड, और जो इसका सफिक्स है दैट इज फुलफिलमेंट यानी कि यहाँ पर क्या लग गया MENT। डिटरमाइन का भी कोई प्रेफिक्स नहीं है लेकिन उसका सफिक्स है दैट इज डिटर्मिनेशन। डेंजर का भी कोई प्रेफिक्स नहीं होगा लेकिन उसका सफिक्स रहेगा डेंजरस। टाइट का भी कोई प्रेफिक्स नहीं होगा बट उसका सफिक्स रहेगा टाइटली, LY आ गया। क्लियर का भी यहाँ पे देखिए अनक्लियर हम बोलते हैं और क्लियरली यानी कि यहाँ पर अन यानी कि ये प्रेफिक्स हो गया और LY लग के यहाँ पर ये आपका सफिक्स हो गया। श्योर का भी वैसा ही होगा अनश्योर एंड श्योरली। लीगल का भी देखिए इलीगल एंड लीगली। लेगिटमेट का देखिए यहाँ पर इलेगिटमेट और यहाँ पर लेगिटमेटली। पॉसिबल का आ गया इम्पॉसिबल और यहाँ पर पॉसिबली LY। ठीक है, सो आई होप आपको ये टेबल समझ में आए, प्रीफिक्स यानी वर्ड के पहले, सफिक्स यानी वर्ड के बाद में, गॉट इट। सो चलिए आगे देखते हैं A3 में नंबर 2। बाय फिलिंग एप्रोप्रिएट लेटर्स इन द ब्लैंक स्पेसेस यू विल गेट अ पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम इट। यूज द वर्ड एज एडजेक्टिव इन योर ओन सेंटेंस, व्हाट इज डन फॉर यू। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो वर्ड है यानी कि यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, That is यहाँ पर आएगा SIGNED, ये यहाँ पर वर्ड फॉर्म हो गया। अब इससे रिलेटेड हमने सेंटेंस यहाँ पर ढूंढना है, ये बनाना है। द एडवोकेट टुक ऑल द साइन डॉक्यूमेंट्स टू द कोर्ट। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया, मैंने यहाँ पर आपको दिया है। उसी तरह से सेकेंड वर्ड यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज प्राइज्ड, और सेंटेंस क्या बनाया है, सीमा वॉज शॉक्ड टू नो दैट हर प्राइज पोजिशन हैड बीन स्टोलन, ये सेकेंड का हो गया। सी का आंसर मैंने यहाँ पर दिया है वर्ड दैट इज फ्लैटन, और उससे रिलेटेड सेंटेंस भी बना के दिया है आपको। द फ्लैटन ग्रास इंडिकेटेड दैट अ लार्ज एनिमल हैड बीन स्लीपिंग देयर, और ये लास्ट वाला उसमें का जो वर्ड है दैट इज बॉइल्ड, और इससे रिलेटेड यहाँ पर सेंटेंस मैंने दिया है। आई लाइक टू एड बटर एंड सॉल्ट टू बॉइल्ड पोटैटोज बिफोर ईटिंग। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है। अभी A3 का हम 3 देखेंगे, दैट इज स्पॉट द एरर, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें जो भी एरर है मिस्टेक है वो आपको ढूंढनी है। यहाँ पर देखिए पहला वाला यहाँ पर आपको एक एग्जांपल करके दिखाया, आई वाज नॉट अफ्रेड फॉर डाई दैट डे। सो यहाँ पर देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या है, आई वाज नॉट अफ्रेड टू डाई दैट डे। आई वाज नॉट अफ्रेड फॉर के बजाय यहाँ पर क्या यूज हो गया, टू। सो ये आपका एरर हमने यहाँ पर स्पॉट करके सेंटेंस रिराइट कर लिया। ओके, इस तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Now the other word sentences जो दिए हैं, that is Tenzing and Hillary made an pact at the office of PM of Nepal। तो ये correct sentence हम करेंगे, इसमें कहाँ पर mistake आपको दिख रही है, Tenzing and Hillary made a pact at the office of the Prime Minister of Nepal। Pact at the office आएगा क्या, नहीं, at के बजाय यहाँ पर हमने क्या use कर लिया, of the Prime Minister of नेपाल। ओके, यहाँ पर देखिए इसको आपको सेंटेंस को रिराइट यानी वापस से लिखना है एरर ढूंढ के। बी में देखेंगे, आई हैज टू ब्रिंग माय आइस एक्स डाउन विद मी। सो करेक्ट सेंटेंस आपका हो गया हैज, नहीं आएगा क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये हो चुका है, सो इट विल कम एज हैड। ठीक है, हैज का जो हम पास्ट टेंस में यूज करते दैट इज हैड, आई हैड टू ब्रिंग माय आइस एक्स डाउन विद मी। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। आगे का जो सेंटेंस है, Tenzing have spent a night with Campet। करेक्ट सेंटेंस है, Tenzing had spent a night at camp। ठीक है, यहाँ पर भी have के बजाय हमने क्या यूज कर लिया, had, क्योंकि have और has प्रेजेंट टेंस शो करते हैं और had पास्ट टेंस शो करता है। देन द पैक्ट वॉज साइंड फ्रॉम Tenzing एंड Hillary। सो द करेक्ट सेंटेंस इज द पैक्ट वॉज साइंड बाई Tenzing एंड Hillary। ओके, फ्रॉम के बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, By Tenzing and Hillary। So these are some errors जो हमने ढूंढ कर rewrite करना है। आगे का sentence है, I and Hillary were in no mood of talking। So corrected sentence is Hillary and I were in no mood for talking, not of, that is for talking। Okay? So ये हमने A3 question यहाँ पर complete कर लिया, A1, A2, A3 हो गया। Now we'll check A4। When Tenzing and Hillary reached the summit, Tenzing in utter joy said, "We have done it." In this sentence, the subject we, यहाँ पर subject क्या आएगा? We. उसके बाद is the doer of the action while it achieving the feat is the subject.
The verb of passive voice is formed by using the correct form of the verb, that is to be, plus part participle of the main verb. यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको to be का जो form, यानी कि to be के जो रूप हम use करते हैं verbs, that is am, is, are, was, were, have, has, had. So इसमें का यहाँ पर क्या आ गया, we के बाद that is have, और उसके बाद डन. सो डू का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, डू का आधा है डू, डिड एंड डन. सो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया है मेन वर्ब का. सो आपको यहाँ पर बोला है कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस अकॉर्डिंगली. नाउ केयरफुली गो थ्रू द चेंजेस इन बोथ द सेंटेंस एंड डू द चेंजेस अकॉर्डिंगली इन द रिमेनिंग सेंटेंस. सो आगे के ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए आंसर्स दे दिए हैं. नंबर वन, वी हैव डन इट का कैसे हो जाएगा, It has been done by us. It has been done by us. उसके बाद we made a pact का आंसर आएगा. A pact was made by us. I offered silent prayer in my heart. So इसका correct answer है A silent prayer was offered in my heart. Then the C, Colonel Hunt gave me three flags. इसका आंसर आ जाएगा I was given three flags by Colonel Hunt. उसके बाद आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग, इसका आंसर आएगा द इंडियन फ्लैग वॉज बींग कैरिड बाय मी. देन नंबर ई, आई टूक फोटोग्राफ्स ऑफ टेंजिंग होल्डिंग अलॉफ्ट द फ्लैग. सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, फोटोग्राफ्स ऑफ टेंजिंग होल्डिंग अलॉफ्ट द फ्लैग वर टेकन बाय मी. द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई रिमेम्बर हिम. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ही वॉज रिमेम्बर्ड बाय me. Then the last wala sentence jo hai, we spent the night at camp 8. So iska correct answer aayega, the night was spent at camp 8. So I hope ki aapko A4 bhi cover up ho gaya, maine aapko answers already batakar de diye hai. So this is the A5. After reading the text, one can easily understand that there is a lot of risk involved in mountaineering. Write in short about any adventure sport that you like and the risk involved in it. So, यहाँ पर जो भी risk यहाँ पर बताया गया है वो आपको यहाँ पर लिखना है. So, the answer is I like to go hiking in the nearby hills. यानी आपने यहाँ पर जो माउंटेनियर का जो एक्सपीरियंस है, लाइक दैट आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया है कि एडवेंचर स्पोर्ट, तो वो आपको लिखना है. सो आई हैव गिवन वन आंसर, आपके लिए मैंने एक आंसर बना के दिया है, दैट इज आई लाइक टू गो hiking in the nearby hills. We have a group and we go at least 4 to 5 times a year. We have proper hiking kits and boots and a leader who gives instructions and maintains discipline. There are risks involved like bad weather, accidents, unexpected disasters, quarrels, etc. One we had gone hiking up a hill during monsoon, suddenly it began to rain heavily. To our dismay, the small stream at the bottom of the hill had become a gushing river by the time we returned late in the evening. We had to arrange for a thick rope which we could hold onto while crossing the fast flowing river. Of course, one person had to first swim across, and that was really dangerous. Thankfully, it ended well. So, ये आपका A5 का आंसर यहाँ पर मैंने बता दिया है. A6. राइटिंग स्किल का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपका A6 का क्वेश्चन है, दैट इज नंबर वन, टेंजिंग एंड हिलेरी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. देर आर मेनी माउंटेन्स इन महाराष्ट्र वेयर वन कैन फैंसी इज ऑन हर चांसेस ऑफ क्लाइंबिंग देम. इमेजिन दैट यू हैव क्लाइंब्ड अ माउंटेन एंड आर इमेंसली थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट इट. आपको यहाँ पर लेटर राइटिंग का ये क्वेश्चन आया बच्चों. सो एग्जाम में लेटर राइटिंग करते वक्त यहाँ पर देखिएगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखना है. आंसर में हम पहले लिखेंगे कि आप लेटर किसको लिख रहे, दैट इज चित्रा माने 3-40 कशिश पार्क LBS मार्क ठाणे, और जिस दिन पे आप लेटर लिख रहे हो दैट इज 10th August 2021, और हम यहाँ पर लेटर का अभी फॉर्मेट लिखेंगे, दैट इज डियर सोनाली, आप अपनी फ्रेंड को दिख रहे हो, हाय हाउ आर यू, हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन कॉलेज, आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, आई जस्ट रिटर्न्ड यस्टरडे फ्रॉम अ हाइक टू कलसुबाई माउंटेन, यू रिमेम्बर आई हैड जॉइन्ड अ हाइकर्स क्लब हियर इन ठाणे एंड हैड बीन गोइंग फॉर शॉर्ट हाइक्स दिस पास्ट टू इयर्स, वेल फाइनली आई क्वालिफाइड फॉर द हाइक टू कलसुबाई. Which is the highest mountain in Maharashtra?
It is 5400 feet high. We were 16 of us and we left very early in the morning. We went up to the base village Bari by a minibus. Then we climbed up. At certain places there were iron bars to help us. Because we went during monsoon, we could see lush green valleys, low clouds and tinkling waterfalls. There were cool winds blowing too. यहाँ पर देखिएगा, आपने ये लेटर लिख दिया आपके दोस्त को. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर द कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव एंड योर प्रिंसिपल हैज असाइन यू द टास्क ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर. आपको लेटर किसको लिखना है? डिविजनल ऑफिसर को लिखना है. सातपुड़ा माउंटेन रेंजेस नागपुर सीकिंग परमिशन फॉर द माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टू बी ऑर्गेनाइज बाई योर कॉलेज. यानी कि आपको वहां के डिविजनल ऑफिसर जो है नागपुर के सातपुड़ा माउंटेन रेंजेस पे आपको जाना है, तो उसके लिए परमिशन के लिए आपको लेटर लिखने की जवाबदारी आपके प्राचार्य ने प्रिंसिपल ने दी है. सो द आंसर इज देव कुलकर्णी. यानी कि आप अपना नाम, आपका कॉलेज, आपके कॉलेज का एड्रेस यहाँ पर आएगा और डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, दैट इज 3 जुलाई 2019. यहाँ पर अभी देखिए फॉर्मेट कैसा आएगा. ये हमने लिख दिया, ये जो फॉर्मेट है इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर. व्हाट इज दिस इनफॉर्मल लेटर? जो आप अपने दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को लिखते हो, यानी अनौपचारिक पत्र इसको कहते हैं. और जो आप किसी सीनियर पर्सन को लिखते हो, कॉलेज हो या फिर आपके प्रिंसिपल है या फिर कोई भी ऑफिसर है, तो इसे आप कहेंगे फॉर्मल लेटर. व्हाट वी सेड, फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र. ओके, सो यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं. दैट इज टू होम द डिविजनल ऑफिसर सातपुड़ा माउंटेन रेंजेस नागपुर. यहाँ पर अपना एड्रेस दिया. जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज परमिशन फॉर ट्रेकिंग इन द सातपुड़ा माउंटेन रेंजेस. और उसके बाद आ जाएगा जिनको आप लिख रहे हो लेटर, दैट इज सर, आर कॉलेज स्टार्टेड अ हाइकर्स क्लब 3 months बैक एंड वी हैव ऑलरेडी बीन फॉर 3 hikes इन द माउंटेन्स नियर बाय. वी रिक्वेस्ट योर परमिशन फॉर अ 2-day माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टू द सातपुड़ा रेंजेस. द एक्सपीडिशन विल बी ऑन 4 and 5 August 2019. There will be 16 of us, including an experienced hiker who will lead us. We would like to stay the night of 4th August at a nearby place. Our club will make all the arrangements for the hike. I assure you that we will not leave behind any garbage or disturb the tranquility of the place. Aur last mein aap likhoge, please find enclosed the permission letter from the principal of college of our college. देन आप एंड करोगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, आपका नाम और कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव एनएस कॉलेज. और ये एनक्लोज्ड क्या रहता है, दैट इज परमिशन लेटर फ्रॉम प्रिंसिपल. यहाँ पर ये फॉर्म हो गया है, किसको आप लिखेंगे? फ्रॉम. ओके, देन नंबर 3 है, कन्वर्ट द लेटर इन टू ईमेल फॉर्मेट. आपको ईमेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. यहाँ पर आपको ये लेटर का, यहाँ पर जो कुछ भी एक ड्राफ्ट दिया है, सो ये भी राइटिंग स्किल का ही पार्ट है. 4 marks के लिए आता है ये क्वेश्चन. ओके, ईमेल राइटिंग आप सबको तो पता है, आपने आपके जीमेल के वगैरह अकाउंट्स होंगे. तो फ्रॉम यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आएगा, टू यानी कि आप जिनको मेल आईडी, जिनका मेल पे मेल भेज रहे हो आईडी पर. सब्जेक्ट आएगा परमिशन फॉर ट्रेकिंग इन द सातपुड़ा माउंटेन रेंजेस. यानी कि हमने अभी ये जो लेटर लिखा है इनफॉर्मल लेटर, इसी को आपको ईमेल में कन्वर्ट करना है. तो देखिए यहाँ पर किस तरह से, इस तरह से सब्जेक्ट में आएगा परमिशन, एंड अटैचमेंट में जो आपने यहाँ पर एनक्लोज लेटर किया था वो आएगा. उसके बाद जो फॉर्मेट एज इट इज जो आपने लिखा है, ठीक है, लेटर में जो फॉर्मेट लिखा है यहाँ पर इस इनफॉर्मल लेटर में, एज इट इज आपको ये फॉर्मेट यहाँ पर कॉपी करना है. एंड यस ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी सेम. सो ये आपका जो ईमेल राइटिंग है, सो ये ईमेल राइटिंग आपको 4 marks के लिए आता है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा. राइटिंग स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सो अभी हम कंपैरिजन करेंगे. लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट. इफ द सेंटेंस इज रॉन्ग गिव रीजंस. यानी कि आपको राइट और रॉन्ग सेंटेंसेस ढूंढने हैं. चलिए मैं आपको हेल्प कर देती हूँ. सुनीता इज द क्वाइटर ऑफ 4 sisters. ये रॉन्ग है. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 nouns द सुपरलेटिव फॉर्म इज यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, सुनीता इज द
क्वाइटेस्ट ऑफ द फोर सिस्टर, यानी कि क्वाइटर के बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, EST, क्वाइटेस्ट। तो दिस इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखेंगे, अनिल्स कंप्यूटर इज मोर न्यू देन माइन। ये पढ़ने में भी गलत लग रहा है। सो द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ न्यू इज क्या आएगा, न्यूअर, यानी कि अनिल्स कंप्यूटर इज न्यूअर देन माइन। इस तरह से आंसर आएगा यहाँ पर, देखिए। ओके आगे है, आई हैव द वंडरफुलेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। ये रॉन्ग है, ये वंडरफुलेस्ट कभी भी नहीं आएगा। दैट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ वंडरफुल इज मोस्ट वंडरफुल। तो आंसर क्या आएगा, आई हैव द मोस्ट वंडरफुल मदर इन द वर्ल्ड। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके सो इस बात से आपको एक ध्यान में आ रहा हो कि सुपरलेटिव फॉर्म में जो आपका वर्ब होता है उसके आगे क्या आ जाता है, EST, ठीक है, या फिर मोस्ट, उससे पहले क्या आएगा, मोस्ट। ये ध्यान में रखिएगा। अभी अदिति इज मोर केयरफुल देन मैरी, ये भी रॉन्ग है। द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ केयरफुल इज व्हाट, मोर केयरफुल, केयरफुलर नहीं आएगा। दैट इज मोर केयरफुल, अदिति इज मोर केयरफुल देन मैरी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी यहाँ पर देखिएगा, हमने सुपरलेटिव फॉर्म तो देख लिया। व्हेन वी कंपेयर टू नाउन्स वी यूज कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, when we compare more than two nouns we use superlative adjectives। दो अगर nouns में comparison होता है तो वो जो comparative nouns होते हैं, right? when we compare two nouns we use comparative adjective, जो comparison करते हैं। लेकिन दो से ज्यादा जब चीजों में comparison होता है तो वहां पर superlative। for example, मिलिंद इज टॉलर देन जॉन, यहाँ पर आप मिलिंद इज टॉलेस्ट देन जॉन नहीं कहेंगे, बिकॉज दिस इज द कंपेरिजन बिटवीन मिलिंद एंड जॉन, दो नाउन्स के बीच का कंपैरिजन है। सो दिस इज द कंपैरेटिव फॉर्म। ओके, जाकिर इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री ब्रदर्स, यहाँ पर EST क्यों आ गया, बिकॉज़ जाकिर और थ्री ब्रदर्स ये दो नाउन्स के बीच में का कंपैरिजन है क्या, नहीं, दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू नाउन्स। सो यहाँ पर क्या आ गया, आपका सुपरलेटिव डिग्री आ गया। कंपैरेटिव डिग्री जब दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होता है और दो से ज्यादा नाउन के बीच में जब कंपैरिजन होता है, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री आप वहां पर यूज करते हो। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सेंटेंसेस एंड डिस्कस द चेंजेस एंड नोट योर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर देखिएगा, अतुल इज नॉट एज ब्राइट एज मिलिंद इन स्टडीज। तो यहाँ पर क्या दिया है, द एडजेक्टिव इज इन द पॉजिटिव डिग्री विद द यूज ऑफ एज। सो पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाता है, आपका जो एडजेक्टिव रहता है वो एज इट इज रहता है, लेकिन उससे पहले सिर्फ क्या आता है, एज, और बाद में क्या आ जाता है, एज। ध्यान में रखिएगा, ये होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। हमने कंपैरेटिव डिग्री देखी, इवन बिटवीन व्हेन द कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स, वो टाइम पे होता है कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद सुपरलेटिव, व्हेन द कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू नाउन्स, वहां पर सुपरलेटिव फॉर्म आता है। नाउ द पॉजिटिव डिग्री कहां पर काम आती है, जब जो आपका एडजेक्टिव हो उसके पहले और बाद में एज एज आ जाता है तब। Now we'll check the next sentence. The dining room is brighter than the kitchen. The adjective in the comparative degree with the use of than as two nouns are being compared. Okay? Annie is the brightest girl in class. The adjective is in the superlative degree, EST aaya to, as more than two nouns are being compared. Now yahan par dekhiye, make a list of adjectives in three different forms of comparison. Yahan par hi aapko table complete karna hai. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में एज इट इज फॉर्म रहता है एडजेक्टिव का, लेकिन कंपैरेटिव में क्या आ जाता है, ईआर, शॉर्टर, और सुपरलेटिव में आएगा शॉर्टेस्ट। ईआर जब आता है दैट इज कंपैरेटिव, ईएसटी जब आता है दैट इज सुपरलेटिव। लार्ज का आएगा लार्जर एंड सुपरलेटिव लार्जेस्ट। हॉट का आएगा हॉटर एंड सुपरलेटिव इज हॉटेस्ट। इजी का कंपैरेटिव आ जाएगा इजीयर, सुपरलेटिव फॉर्म आ जाएगा इजीएस्ट। करेजियस का कंपैरेटिव फॉर्म देखिए, करेजियर नहीं तो होगा, लेकिन उस क्या होता है, मोर करेजियस, और सुपरलेटिव में आता है मोस्ट करेजियस। ध्यान में रखिएगा, ब्यूटीफुल में भी सेम है, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। सो ये आपने टेबल यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। अभी हम देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द करेक्ट एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर क्या आया है, यू आर वेरी नॉटी, यू आर योर ब्रदर, और यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, क्लेवर। सो आप क्या आंसर देंगे, You are very naughty as it is, लेकिन आगे आएगा You are not as clever as your brother. So this is the positive form, right? Positive degree यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर आ गया as clever as. Then again, the tiger is the animal in the zoo. Dangerous आपको use करना है, तो आप कैसे बोलोगे, the tiger is the most dangerous animal in the
जू। इस तरह से ये आपने आंसर्स लिखने हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा। दिस इज रोड इन टाउन, तो यहाँ पर आपको बिजी यूज करना है, विल यूज दिस इज द बिजिएस्ट रोड इन टाउन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, माई न्यू हाउस इज द वन आई यूज टू लिव इन, तो बिग यहाँ पर आपको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, माई न्यू हाउस इज बिगर देन द वन आई यूज टू लिव इन। आगे है, ही इज द बॉय इन द क्लास, सॉरी ही इज द बॉय इन क्लास, तो फॉरगेटफुल बोलना है आपको, सो यू राइट इट ही इज द मोस्ट फॉरगेटफुल बॉय इन क्लास। सो नाउ क्वेश्चन नंबर A7 ही आपको दिया है प्रोजेक्ट, यानी कि आपको यहाँ पर खुद से ये चेक करना है। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। गो टू योर कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज के लाइब्रेरी में जाओ और सर्व द इंटरनेट फॉर नेम्स ऑफ वेरियस माउंटेनियर्स हु हैव सक्सेसफुली क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे जितने भी माउंटेनियर्स पहुंचे हैं सक्सेसफुली, जिन्होंने भी अचीव किया है, सो उनका आपको लिस्ट बनाना है। आपको इंटरनेट पे आप चेक करो या फिर कॉलेज लाइब्रेरी में चेक करो। राइट इन योर नोटबुक अबाउट देयर स्ट्रगल, सो उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, द इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स दे हैव शेयर्ड, देयर फेलियर्स एंड द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम देयर लिव्स, सबमिट देम टू योर टीचर। तो उनके बारे में लाइफ से रिलेटेड जो स्ट्रगल था उनका, जो इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स थे, उसके बाद उनके फेल्यूअर्स, उनके मैसेज, इससे रिलेटेड आपको एक इंफॉर्मेशन बनाना है, एक आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन कवर अप करके आपके क्लास टीचर या फिर आपके जो सब्जेक्ट टीचर है उनको दिखाना है। सो आई होप कि आपको ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है वो अच्छी तरह से समझ में आए हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एंड आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। आप सबका जो पूरे दिल से प्यार मिल रहा है हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल के क्लास 11 सीरीज को, इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और यस ऑफ कोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो। इसी तरह से बाकी के सब्जेक्ट्स भी हम ऑलरेडी धीरे धीरे अपलोड करवा रहे हैं पढ़ाकर, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। क्लास 1 टू क्लास 12 की हमने ये टेक्स्ट बुक सीरीज लॉन्च की है, सो अगर कोई आपके फ्रेंड्स क्लास 1 टू 12 में पढ़ रहे हैं तो आप उनको इंग्लिश मास्टर चैनल जरूर बता दीजिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा, उनको भी पता चलेगा। सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।